हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे अफलातून मिठाई कैसे बनती है। टुडे वी शैल बी नोइंग हाउ टू मेक अफलातून मिठाई। दिस इज़ द फेमस मिठाई फ्रॉम मुंबई। ये मुंबई की मशहूर मिठाई है। इंग्रेडिएंट्स आर एज़ फॉलोज। इसमें जाने वाले अज्जा ये हैं: सूजी 1 कप, सेमोलिना 1 कप, शुगर 1/2 कप, शक्कर 1/2 कप, क्लारिफाइड बटर 4 टेबलस्पून्स, देसी घी लें, सूखा दूध लें 1/2 कप, टेक 1/2 कप ऑफ मिल्क पाउडर, 1 कप खोया या मावा लें, उसे इस तरह से क्रम्बल कर लें, क्रम्बल 1 कप ऑफ मावा और खोआ, क्रश्ड कार्डमम पॉड्स, इलायची लें और इस तरह से उसे क्रश कर लें, सम ड्राई फ्रूट्स विच विल बी गोइंग वाइल कुकिंग, ये ड्राई फ्रूट्स मिठाई में जाएंगे, दीज फाइनली स्लाइस्ड आलमंड्स, कैश्यूज एंड पिस्टाशियोज आर फॉर गार्निशिंग। ये बारीक कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए ऊपर मिठाई पर जाएंगे। Take any non-stick pan or a wok, add in clarified butter or desi ghee. When it gets heat up, add in 1 bowl of semolina and start roasting it. एक non-stick pan या कढ़ाई लें, इसमें देसी घी शामिल करें। देसी घी शामिल करने के बाद इसमें 1 कप सूजी या रवा भी शामिल करें और उसे अच्छे से भून लें। When the color of semolina tends to change, now add in 1/2 cup of sugar and milk powder each. जिस वक्त सूजी का कलर भूनने के बाद हल्का सा गोल्डन हो जाए, उस वक्त 1/2 कप चीनी और 1/2 कप मिल्क पाउडर शामिल करें और इसे चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लें। Type my world of cooking on YouTube for more interesting videos. My world of cooking YouTube पर type करें और search करें। Now it's time to add some roughly chopped dry fruits and a crumbled dry milk or mawa in it and further roast it for few more minutes. अब इसमें ड्राई फ्रूट्स और मावा साथ ही साथ डालें और मज़ीद कुछ मिनटों तक इसे भूनती जाएं। नाउ एड इन 1 कप ऑफ मिल्क एंड क्रश्ड और पाउडर कार्डमम पॉड्स एंड कीप ऑन स्टिरिंग वेल। जब मावा या खोआ अच्छे से भुन चुका हो और मेल्ट हो चुका हो, इस वक्त इसमें 1 कप दूध और इलायची पाउडर शामिल करें और मज़ीद भून लें। जिस वक्त घी अलहदा हो जाए, उस वक्त इसे ग्रीस्ड ट्रे में निकाल लें और इसे सेट होने के लिए रख दें। स्टिर इट वेल टिल घी सेपरेट्स from the mixture. Now transfer this mixture to a greased pan like this and let it set for 2 hours or so that it becomes easier for us to give it a shape. अफलातून मिठाई ग्रीस्ड पैन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। गार्निश अफलातून मिठाई विथ ड्राई फ्रूट्स। कोई ग्लास, कटोरी या फिर कोई भी फ्लैट चीज़ लेकर इसे ऊपर से प्रेस करें ताकि ये ड्राई फ्रूट्स अफलातून मिठाई से अच्छे से स्टिक हो जाएं। आफ्टर गार्निशिंग इट विथ द ड्राई फ्रूट्स, टेक एनी ग्लास, बाउल और एनी फ्लैट सरफेस बॉटम एंड प्रेस इट लाइक दिस सो दैट द ड्राई फ्रूट्स आर स्टक टू द मिठाई एंड
it will be easier to carry while cutting and serving. After giving it a rest for 2 hours, now it's time to give it a shape. You can cut it in any desired shape, but this is the ideal one which we get in the market. So I am cutting in a rectangular shape like this. 2 ghanton ke liye ise aise hi rest dein taaki ye acche se jam jaye. Phir ise is tarah ke shape mein cut karein aur serve karein. Isko easily nikalne ke liye chulhe par 10 second ke liye sim par rakhein taaki ghee melt ho aur ye mithai easily bahar aa jaye. Keep this mold or tray on the stove top for 10 minutes so that the mithai comes out easily. You can serve it like this or you can wrap it in a cling or food wrap like this. आप उसे ऐसे ही सर्व करें या फिर इस तरह से फूड या क्लिंग रैप में सर्व करें. As this is a good way of serving as it leaves so much ghee or clarified butter out of it. Serve it like this. You can keep this mithai for 15 days and serve. ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है. इसे आप 15 दिन तक रख कर खा सकते हैं. If you like my videos, please like, share and subscribe to my YouTube channel, My World of Cooking. Happy cooking! Bye!